लॉर्ड, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया, दान दिया। कल रात पर प्रभु ने हमें संभाला, हमारा अच्छा चरवाहा हमें चराता है। रोज रोज प्रभु के लोग प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे चलते हैं। मसीह के पीछे चलने वाला कई लोग मसीह के आगे बढ़ जाते हैं, वो एकदम डेंजर बात है। हमें प्रभु का आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलना है। चरवाहा आगे चलता है, हमें उसका पीछे पीछे चलना, कितना अनोखा बात है। हमेशा उस चरवाहा का आवाज़ सुनना, तो आज भी प्रभु ने सुंदर मौका दिया। प्रभु का आवाज़ है प्रभु का वचन। आज भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहा है, तो हमें उस वचनों को प्राप्त करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए कितना अच्छा तैयारी चाहिए। प्रभु हमेशा बहुत बड़ा योजना का परमेश्वर है। प्रभु का योजना बहुत अनमोल है, एकदम श्रेष्ठ योजना है। तो इसलिए प्रभु का योजना जानना और उस योजना में बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो मैं एक बात आज आपको, मसीह जीवन की बढ़ोतरी, मसीह जीवन में हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी, इस विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है, जब मलाकी 3:1 में लिखा है कि मैं मेरे दूत को मेरी आगे आगे भेजता हूँ, वो किसके बारे में बोला? वो योहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में बोला। तो योहन्ना का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में मतलब उसका पिता जकरिया याजक था। आपको मालूम है वो याजक आत्मा में भर करके अपने बेटे के बारे में एक भविष्यवाणी करता है। वो भविष्यवाणी में जब लूका का सुसमाचार पढ़ा दिया है, उसका 76 वजन में, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यता कहलाएगा। देखो, तुम ये बालक, अभी अपना बेटे के बारे में, पर आप उसका 67 में, 7 में अगर पढ़ेगा तो उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हाँ। और भविष्यवाणी करने लगा, अभी उसका पिता जकरिया अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि बेटा कौन बनेगा। वापस 76, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। देखा, उसके आगे आगे चलेगा। देखिए, आत्मा में भर करके यहाँ पर जकरिया उनका पिता ये भविष्यवाणी कर रहा है, तो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने भेजा हुआ दूत है योहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जब आया, जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में अगर आप सोचो, वो अगर नहीं बढ़ा तो वो काम करने लायक नहीं बना तो, और तो उसके बारे में उसका 80 वजन में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। देखा, वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होते गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। पर हमारा नया जन्म हुआ है तो हमारा बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी बात है। आज आत्मीय जीवन में, आत्मिक दुनिया को अगर हम देखता है, तो बहुत लोगों के जीवन में ये बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। बढ़ोतरी होना जरूरी बात है। कई बार लोग ये परखता नहीं, मैं मेरे जीवन में, आत्मीय जीवन में कैसा है, मेरा रोज बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। आप नहीं देखता है तो भी प्रभु देखता है, क्योंकि आप जैसे बढ़ना चाहिए उस रीति में अगर बढ़ेंगे नहीं, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रभु का उद्देश्य आपके द्वारा पूरा नहीं होगा। प्रियो, नया जन्म पाना बहुत जरूरी बात है, पर नया जन्म नहीं पाया तो हम उस परमेश्वर के राज्य का अनुभव में बढ़ नहीं सकता। पर नया जन्म पाने के बाद हमें समय के अनुसार बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है, जब इब्रानी विश्वासियों के बारे में पौलुस गवाही देता है, जब इब्रानियों का पत्री 5:12-14 तक का वचनों में हम लोग पढ़ता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय की विचार से, मतलब इतना समय हो गया, अभी पढ़ पढ़ करके अच्छा डिग्री पा करके गुरु बन करके दूसरे लोगों को सिखलाने का समय हो गया है। आप देखो, हमारे जीवन में समय के अनुसार हमारा आत्मिक उन्नति हुआ है कि नहीं, ये बात को पढ़कर जानना पड़ियो। अगर हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद दुख नहीं होगा, परंतु जिसने आपको जन्माया उस प्रभु को दुख है। आपको मालूम है, एक माँ बाप को अगर एक बच्चा जन्म होने के बाद में वो समय के अनुसार उनकी बढ़ोतरी अगर नहीं होता तो
माँ बाप को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। शायद अभी तक आपको इस विषय में दुख नहीं आया होगा। क्या आप प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं या आप अभी तक प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रियो, प्रभु को आप इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनना चाहिए, हमारा स्वामी के लिए एक उपयोगी बर्तन बनना, प्रभु के काम में आना। ऐसे नहीं आएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। प्रियो, जरूर मैं आज हरेक विश्वासियों से नम्र निवेदन करता हूं, आज के दिन में जरूर परखना मेरा आत्मीय जीवन का अवस्था कहां पर है। मेरा आत्मीय जीवन में मेरा प्रभु का मैं उपयोगी बर्तन होकर के इस पीढ़ी में प्रभु का काम में आ रहा है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। प्रियो, कैसे भी अपना दिनों को मत गुजारो, समय को देख करके मैं प्रभु में आकर के अभी कितना समय हो गया। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु में आकर के 20 साल हो गया, पर तो उसको एक गवाही तक देना नहीं आता, उसको एक गवाही तक देने के लिए उत्साह नहीं और उनके जीवन में गवाही भी नहीं रह गया। कितना दुख की बात है प्रियो, है गवाही के लिए कई बार मौका देता है तो कई लोग उठता ही नहीं क्योंकि उनके जीवन में गवाही तक नष्ट हो गया। दुखदायक बात है प्रियो, वो कभी प्रभु का काम में नहीं आता और स्वर्ग जाने के प्रयास में मानो इंतजार में। प्रियो, बहुत दुख की बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु को वास्तव में आनंदित करता है क्या? कोई भी मिलता है तो उनको सुसमाचार का गवाही हम दे पाता है क्या? हमारे जीवन की आशा के विषय में कोई पूछने लायक हमारे जीवन एक आदर्शमय जीवन है क्या? क्योंकि हमारा उत्साह देख करके लोग पूछना चाहिए कि क्या बात है आपको इतना उत्साह, क्या बात है आप मतलब निरंतर कुछ मतलब प्रभु प्रभु बोल करके भागते रहते हो, क्या बात क्या है? क्योंकि हमें जीवित आशा है हमारे प्रभु आएगा, हम प्रभु के साथ जाएगा। परंतु जो व्यक्ति स्वामी की इच्छा जानने के बाद में उसके अनुसार नहीं करता वो बहुत मार खाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में आज मेरा आत्मिक अवस्था क्या है? इब्रानी विश्वासियों को बहुत दुख के साथ पौलुस बोलता है, समय देखने से तुम्हें उपदेष्टा बनना चाहिए, परंतु तो भी ये आवश्यक हो गया है। अभी देखो एक उपदेष्टा बनना चाहिए, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा समय हो गया, तो भी अभी ये जरूरत पड़ गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। देखा, अभी आप देखो MBBS भी पास हो गया, IAS भी पास हो गया, अभी भी ये भी छुड़ी सिखाना, कितना दुख की बात है। अरे ये ऐसा है, उसको बोलना पड़ रहा है, तो उसका अवस्था क्या है? कितना दुखदायक बात है। आदि शिक्षा में जा रहा है, अभी भी ए फॉर एप्पल ऐसा दिखाना पड़ रहा है, मतलब अभी तक आत्मिक बातों को समझ नहीं पा रहा है। आज भी बहुत लोग ऐसा है, प्रभु का वचन बहुत पढ़ते हैं, संगति में हमेशा आता है, लेकिन फिर भी उनका आत्मीय जीवन में ग्रोथ नहीं, उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं। कितना दुखदायक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपना आत्मीय जीवन को परखो प्रियो, समय के अनुसार मेरा आत्मीय जीवन में उन्नति हो रहा है कि नहीं, मैं मेरा प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल होने वाला एक पात्र है कि नहीं। यहां पर और उस बहुत दुख के साथ बोलता है, अभी भी तुझे आदि शिक्षा देना पड़ रहा है, अभी भी तुझे मतलब इतना भी अकल नहीं, समझ नहीं है कि तुम मतलब बिड़ करके प्रभु का काम में आए। और आगे, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखिए है, बच्चा बढ़ करके अभी 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी बोतल में मानो दूध पिलाना है, ग्लास में भी देगा तो पीने के लिए तैयार नहीं, उसको वो बोतल वाला बच्चों को जो देता है ना, ऐसी अवस्था कितना दुखदायक अवस्था है। वो अवस्था में रहने वालों को प्रभु क्या इस्तेमाल करेगा? प्रियो, आज हमारा आत्मिक अवस्था को जरूर परखना। और आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। देखा, ऐसा ही अगर आप एक बच्चे के नए दूध पीने वाले अवस्था में है तो वो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बातों को कैसे समझ सकता, उसको कैसे समझा पाओ है? वो नहीं समझ सकता, उसको उस लेवल में ही समझाना पड़ता। बहुत दुखदायी बात है। आत्मिक जीवन में आज हमें कितना आत्मा में गहराई में जाना चाहिए,
सभी के अनुसार गहरी बातों को भी अच्छी तरह समझ करके आगे बढ़ने वाला एक अनुभव ये हमारे जीवन में चाहिए। आगे क्योंकि वह अब तक बालक है पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ देखा, खाना अभी हमें हड्डी खाना चाहिए, कितना भी ताड़ा हड्डी को भी तोड़ करके खाने लायक ऐसा एकदम जवानी में एकदम प्रभु के लिए कार्य करने के लिए है एकदम तैयार अवस्था बढ़ोतरी होना जरूरी बात है। अभी यवन बपतिस्मा देने वाला भिड़ गया, वो आत्मा में भी बिल पाया, उसने मतलब प्रभु का कार्य करते हुए अपने आप को इसराइल को प्रकट किया, मरुस्थल में खड़ा होकर के वो प्रचार करने लगा। आप देखिए मतलब वो आत्मा में भर करके वो कार्य को करने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जब तक और बढ़ेंगे नहीं प्रभु का महिमा का कारण नहीं बनेगा हमारे जीवन में। हमारा बढ़ोतरी को समय के अनुसार हमारा आत्मीय जीवन बढ़ रहा है कि नहीं ये बात को हमें जानना चाहिए। कोई बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई लूका उसका दूसरा अध्याय उसका आखिरी वचन 52। और ईश्वर बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखा बढ़ता गया, यीशु मसीह भी ये दुनिया में आकर के हमारे समान मनुष्य बन करके ये दुनिया में जीवन बिता करके रोज बढ़ते गया। अब देखिए ज्ञान में बढ़ते गया प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर की उस प्रीति में अनुग्रह में बढ़ते गया। कितना अनोखी बात है, बढ़ना है प्रियो, हमारे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए है। अगर नहीं बढ़ेगा तो हम उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी है प्रभु का काम में प्रभु का इस्तेमाल होने का कारण बनेगा। तो आज मैं इसी कारण आपको बताना चाहूंगा हमारा आत्मीय बढ़ोतरी प्रभु में जो बढ़ने का अर्थ तो बहुत गहरा है ना। आज जो पाना चाहिए आपको मालूम है कैसा भी कुछ खाने से हमारे बढ़ोतरी नहीं। प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जरूर प्रभु का सत्य वजन को अत्य वजन को पीना चाहिए। भले बात बचपन के अनुभव हरेक को है, नया जन्म पाने के बाद में कुछ समय एक बचपना का अनुभव है, परंतु वो अनुभव में उसको बराबर अगर दूध मिला तो उसका बढ़ोतरी भी बराबर रहेगा है, बराबर बढ़ना है। अब एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये भी बढ़ाने वाला हम नहीं, खुद बढ़ना नहीं बढ़ता नहीं, फिर बढ़ाने वाला प्रभु है, वो शब्द आपको याद होगा। पर लेकिन उसके लिए कुछ जो प्रबंध जो प्रभु ने किया उसके अनुसार होना चाहिए कार्य है ना। जब पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय का छठो वचन, पहला कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय का छठो वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है। मैंने लगाया मतलब पौलुस बोलता है मैंने तुम लोगों को लगाया, अपोलोस ने सींचा और अपोलोस तुम्हारे बीच में रह करके तुमको जरूरत के अनुसार पानी देते रहा, दूध देते रहा, तुम्हें बढ़ोतरी के लिए कार्य करते रहा। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यामर बात है, बढ़ाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। बढ़ाने का कार्य सब है बोना, उसको सींचना, ये सब बात के लिए प्रभु प्रबंध करता है। प्रभु समय समय पर बारिश बरसाता है, धूप देता है, सारे काम प्रभु करता है। प्रियो हमारे भी जीवन में प्रभु ने इस प्रकार का प्रबंध किया है ना। अगर बढ़ोतरी आपको मालूम है कई लोग कितना भी खाना खिलाएगा तो भी एकदम पतरास रहेगा क्योंकि उनके पेट में कीड़ा रहेगा। ये जो भी देता है उनको दूध पिलाता रहा, वो दूध का पूरा वाला जो विटामिन जो है वो कीड़ा लेता है, कीड़ा बढ़ता है, कीड़ा बढ़ता है, कीड़ा बढ़ता है। देखो वो कीड़ा बढ़ने से खतरनाक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा खुद मेरे एक सगा भाई छोटा उम्र था, वो ये कीड़ा बढ़ बढ़ गया ना, ये कीड़ा सिर पर चढ़ गया, सिर पर चढ़ करके मतलब वो मर गया। वो मरने के टाइम पर नाक से बाहर आया कीड़ा, बड़ा कीड़ा। आप देखो मैंने उनको नहीं देखा लेकिन मेरा माँ बाप ने ये बात बताया। अब उनको मालूम नहीं था कि ये बच्चे के पेट में इतना बड़ा कीड़ा है। वो कीड़ा आप देखो मतलब बिड़ करके सिर पर चढ़ करके नाक से बाहर आया मरने के टाइम पर। आप देखो इसके बाद क्या है कि इस प्रकार का कीड़ा हमारे जीवन को भी आत्मीय जीवन में भी कुछ ऐसा कीड़ा है
जो कि हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति को बिगाड़ देगा, हमें मृत्यु के दिशा में ले जाएगा। देखो कितना भयंकर चेतावनी है। इसलिए आप ये जो आत्मिक दूध पीते अच्छी बात है, लेकिन एक बात यहां पर, जब पत्रोस का पहला पत्री दूसरा अध्याय के एक दो वचन आपको याद होगा, आज जो नया जन्म पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य क्या है, जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का एक वचन और दूसरा वचन एक दो, इसलिए सब प्रकार का भयभाव और छल, देखो सब प्रकार का भयभाव, देखिए आत्मीय जीवन को नाटा बनाने वाला, आत्मिक जीवन को सुखाने वाला, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को रुकाने वाला कुछ बात हमेशा बहुत लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए उनका आत्मिक पुष्टि नहीं हो रहा है, वो तंदुरुस्त स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाता। आप ध्यान से सुन लें प्रियो, यहां पर प्रभु का वजन जो हमें बता रहा है वो बहुत अनमोल बात है, क्योंकि प्रभु का वजन हमें परख रहा है, ये वजन के द्वारा हम अपने जीवन को परखना। इसलिए क्या बोलते हैं, हर प्रकार का वापस एक बार शुरू से, इसलिए सब प्रकार का भय, सब प्रकार का भयभाव, देखा बहुत प्रकार का भयभाव रहता है ना। जब दाविद को स्त्रियों ने, मतलब शाऊल ने हजार को, दाविद ने 10,000 को इतना सुना तो उसके अंदर उसके प्रति एक भय उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? गाने वाले के प्रति नहीं, दाविद के प्रति। आखिर में वो बढ़ते 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 वो एक खाद के समान बना। इतना भयंकर बात है, सब प्रकार का, दूसरे की अच्छाई देख करके जलने वाले लोग हैं, दूसरे की उन्नति देख करके जलने वाले लोग हैं, दूसरे को देख करके जलने वाला, सब प्रकार का भैरभाव, लोगों से भय करने वाला स्वभाव है। हमें देखना है कई प्रकार, हो सकता है आपको किसी ने दुख दिया होगा इसलिए भय आ गए, वो भी दूर करना है हमें। ये जो क्षमा का अध्याय को सीखना है, हम प्रभु में है तो हमें प्रभु से क्षमा पाए हुए लोग हरेक बातों को क्षमा करने के लिए आना चाहिए। इसलिए दिल में कोई भयभाव मत रखना, ये भयभाव हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति को मसीह के रूप बनने में रुकावट आएगा, बिगड़ जाएगा वो रूप। बहुत ध्यान से सुनना, सब प्रकार का, अभी इसको विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, आप ये बात को समझता है, अपने दिल में परखना है, हमारे जीवन में परखना है। मैं जो प्रभु का वचन सुनता है परंतु मुझे किससे कोई मतलब भैरभाव है क्या? सब प्रकार का भैरभाव। अच्छा देखो आज लोग इतना इतना चल करता है, मतलब जो भी नहीं है तो भी दूसरे लोगों को फंसाने का कार्य करते रहता है, धोखा देने के लिए होशियार, हर प्रकार का चल और कपट, हर प्रकार का कपट और डाह, हर प्रकार का डाह और निंदा को दूर करके, निंदा, आपको मालूम है आज लोग क्या है, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, ये सारे बातों को पास में मत रखना, दूर करना। देखिए जो बातों को दूर करना, अगर दूर नहीं करेगा तो ये बातें लोगों के जीवन में रहता है, इसलिए तो प्रभु का दास ये कहता है, कह रहे तुम्हारे जीवन में परखो, हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में ऐसे कोई रुकावट की बात है क्या? प्रियो हमारे जीवन में ऐसा बहुत बात रह सकता है ना, जब आपको मालूम है, इसलिए होगा जब उसका दूसरा वजन पढ़ने से पहले एक वजन मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, पड़ोसियों का पत्री तीसरा अध्याय का 5 वजन, पड़ोसियों 3:5, ओ लॉर्ड जीसस, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो देखा मार डालो बोलता है, क्योंकि इन अंगों को अगर नहीं मार डालेगा तो वो हमें मार डालेगा, प्यार से सुनना, और उसको हम नहीं मार डालेगा तो हमें वो मार डालेगा। आपको याद है ना जब इसराइल के प्रथम राजा शाऊल को अमालेकियों को खत्म करने के लिए भेजा, अभी उसने क्या किया आपको मालूम है, नहीं किया, इसलिए अमालेकी की हाथ से वो उसका मृत्यु हुआ है। आप देखो है, उसने एक अमालेक को बोलता है कि तू मेरा गला काट, और वो आकर के उसको काटा, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात, जिस बात को दूर करने के लिए बोला है, मारने के लिए बोला है, मारना है प्रियो, दूर करना है, और वो काम, अगर वो काम हम प्रभु में बैठना है तो हमारा आत्मिक उन्नति हमारे जीवन के लक्ष्य है तो हमें करना है। आगे अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा इन बातों को मार डालना है, देखा है,
तो अभी एक बात यहाँ पर जो व्यभिचार शब्द आया, व्यभिचार बोलेगा तो कोई मान गलत संगति में जाना या गलत या कोई स्त्रियों के साथ का बात ही नहीं। आपको याद होगा जब याकूब चार चार में, याकूब चार अध्याय का चार वचन देखो, अनेक वचन प्रभु का वचन जिस विषय को बताता है उसको सही रीति में जानना। देखिए हे व्यभिचारिणियों करके बोलते हैं, अभी वो लोग कैसे व्यभिचार किया वो व्यभिचार का विषय वहां पर आगे बोलता है। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखा, मतलब ये संसार के साथ मिला रहने वाला बात एक व्यभिचार है। देखा, इसको मतलब आज अगर आप देखेगा तो बहुत से लोग जाने अनजाने वो संसार के सदस्य बनते जा रहा है। हम मसीह के सदस्य बनना चाहिए पर जो संसार के सदस्य बनते जा रहा है दुखदायक बात है। आज हमारा जीवन आत्मीय जीवन कैसा है, है? क्योंकि बहुत से बातों में हम देखते हैं कि जातियों की रीति अपनाते हुए विश्वासी लोग भी गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमेशा संगति तो है नहीं, है प्रभु का दास डांटने के लिए मौका भी नहीं है, मिलने के लिए भी मौका तक नहीं, तो इसलिए लोग बहुत प्रकार है गलतियों में बह रहा है। प्रियो, ये नाश होने वाला दुनिया में हमें जैसे दुनिया बह रहा है उसके अनुसार मत बहना, दुनिया के रीति को नहीं अपनाना। प्रियो, जिन जिन बातों को मां डालने के लिए बोला है हमारे जीवन में, ऐसा कोई एक भी बात देखता है तो उसको मार डालना। प्रियो, रोज हमें मरना है। आपको याद होगा जब प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में कहता है मैं रोज मरता हूं, रोज मरना है हमारे जीवन में। इस मृत्यु के अनुभव में जाएगा तभी हम पुनरुत्थान का अनुरूप बनेगा। हमें रोज मरने का जरूरत है, हमें उन बातों को मार डालने का जरूरत है, हमें स्वयं को मरने की जरूरत है। और ऐसे नहीं है तो हम अपनी इच्छा और अभिलाषा में जाएगा, हमको अच्छा लेने वाले मार्ग में हम चाहेगा। और आपको मालूम है नीति वचन 14:12 में लिखा है कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा आखिर में मृत्यु मिलेगा, मृत्यु के मार्ग में नहीं चलना। प्रियो, जिन जिन बातों को दूर करना है दूर करना। प्रियो, है ना, वही पड़ोसियों को तीसरा देखा 8 वचन में थोड़ा देखिए, ओ लॉर्ड जीसस, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध रोष बैर भाव निंदा और मोह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पर तो अभी भी लोग समय के अनुसार अवसर के अनुसार मन शरीर में होकर के ऐसे कई भावों में गिर जाता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रियोश्री, हमें रोज मन प्रावट की जरूरत है। हमारे जीवन का गलतियों के बारे में अगर हमें एहसास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मन फिरने वाला सवाल नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह के तले बना रहना। प्रियो, हमें परखना है, कोई ना कोई पापों में गिरा करके हमारा मन को कठोर करके प्रभु के जीवन से दूर ले जाना ये विरोधी का लक्ष्य है। हमें परखना है कोई भी पाप हमारा मन को कठोर करेगा। पाप में जीने वाले व्यक्ति को मन फिरावट का अनुभव नहीं रहता। और हमें रोज मन फिरना है, रोज हमारे जीवन में जब तक हम ये दुनिया में हैं, जब तक हम ये शरीर में हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार प्रभु की इच्छा के खिलाफ कई बात होता ही है। पर तो जब तक अगर हम आत्मा में नहीं रहेगा, प्रभु के वचन रूपी दर्पण के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन को परखेगा नहीं, ये बातों को जानेगा नहीं। जानना जरूरी है, हमें परखना है मेरे जीवन में ऐसा कोई विषय है क्या। उस 8 वचन वापस एक बार पढ़ना, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध रोष बैर भाव निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, छोड़ दो। अभी भी छोड़ा है क्या, या अभी भी अवसर आने के समय में, क्योंकि इस बात को छोड़ा है कि नहीं उसका भी परीक्षा होता है। परीक्षा आने के समय में मालूम पड़ता है कि ये छोड़ा है कि नहीं। कई लोग आराम से मतलब गुप्त रीति में रखा है, आकार बहुत गुप्त रीति में काम किया, परंतु प्रभु का उपस्थिति इसराइल से दूर हो गया एक आकार के पाप के कारण। प्रियो, उसने सोचा कोई नहीं देखा कोई नहीं जाना, क्योंकि तंबू में भी बहुत गहराई में उसने गार्ड कर रखा। परंतु प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की दृष्टि में कोई बात छिपा रहता है क्या? प्रभु की दृष्टि में कोई भी बात छिपा नहीं रहता। प्रियो,
हमारे दिल में होने वाला विचारों को भावनाओं को हमारा प्रभु जानता है, तो उस प्रभु की दृष्टि में हमें कैसा जीवन बिताना है। प्रभु हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया, हमारा नया जन्म हुआ है तो हमें हरेक बातों में किसी प्रकार का एक नेगेटिव विचार में जाकर के धोखा मत खाना। हमेशा प्रभु का दिल का इच्छा जानने के लिए, प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए तैयार रहना। वो पुराना अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ प्रियो, इसलिए शरीर के द्वारा मन विरोधी को कार्य करने का मौका है। ये दुनिया अभी तक बदला नहीं, ये दुनिया भी बदल जाएगा, एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। इसलिए अभी कई प्रकार फिसलने की खतरा है। अगर अभी भी हम पाप में जी करके, चाहे हम कितना भी वचन सुने और वचन पढ़े, वो जैसा बढ़ना चाहिए आत्मिक उन्नति नहीं होगा। प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होना है तो आपको याद होगा दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21 वचन में, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, इन सारे पाप और बुराइयों से छुट करके अगर हम सच्चा पवित्र जीवन बिताता है तो जरूर स्वामी का इस्तेमाल में आएगा। प्रियो, ऐसे नहीं है तो जिस पाप को हमें दूर करना है दूर करना है, इसको हमें मारना है मारना है, इसको अलग करना है अलग करना है ना, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि है। वो पुराना बात कुछ भी बात प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं। जो भी पहला आदम में है उसमें से एक भी बात प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं, ये बात को हमें जानना है। और ऐसे कार्यों को करेगा तो जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन, एफिसियों उसका 4 अध्याय का 22 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। देखो पिछला, अभी वो प्रयोग सब देखना, अभी भी हमारा शरीर का उद्धार नहीं होने के कारण प्रयोग वो पिछला चाल चलन की कई बातें हमारे जीवन में आने का मतलब संभावना है, मौका है। इसलिए वचन क्लियर कहता है वापस कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछली चाल चलन की पुराना मनुष्यत्व, देखा अभी हम पुराना मनुष्य नहीं, जब हम मसीह में आ गया तो हम नया सृष्टि है, सब कुछ नया बन गया, नया बना है कि नहीं देखो है हमारे जीवन में। अभी हमारा सारे आचरण, कई लोग मानो प्रभु में आने से पहले सुबह मानो पहले मनुष्य क्या है 10 बजे तक सोते रहता, प्रभु में आने के बाद भी सोते रहता है, तो सुबह नहीं उठ करके बाइबल नहीं पढ़ता है, दोस्तों को ढूंढता और ताश खेलने के लिए जाता है, नहीं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहता, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना जीवन नहीं। नहीं प्रियो, वो पुराना मनुष्यत्व को हमने बिल्कुल उदार डाला है। आज हम मसीह में नया सृष्टि है, आज प्रभु हमें सुबेरे जगाता है, हम सुबेरे उठ करके प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की उस अगप्पे प्यार को याद करता है। ऐसा एक दिन भी वक्त का नहीं रहेगा जिस प्रभु हमें इस नया सृष्टि बनाने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए, स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए जो कार्य किया उसको भूल जाए। नहीं प्रियो, एक उदार पाया व्यक्ति सबसे पहले वो सूली को याद करता है। हमारे जीवन में सूली को याद करने वाला अनुभव नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। यह हमें पौलुस एफेसियों मंडली को कहता है, तुम्हारा वो जो पुराना जो मनुष्य का जो चाल चलन की जो बात था ना, वो अभी नहीं, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। देखा, वो बातें पुराना जो भी बातें प्रियो हमारा आत्मीय जीवन को भ्रष्ट करेगा, नष्ट करेगा, बिगाड़ेगा। इसलिए क्या करने का, उतार डालो है ऐसे बातें हमारे जीवन में, कोई भी बात इसलिए हमें परखना है, हमारे जीवन को परखना है। अभी भी प्रभु का दृष्टि में, प्रभु का वचन के खिलाफ ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में है क्या, है ऐसा बात रहेगा तो हमारे लिए धोखा ही धोखा है। प्रभु में आने के बाद में हमें कितना अधिक प्रभु का भय मान करके, प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताना चाहिए।
हमें रोज प्रभु को खाना और पीना है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी पाना है। तो यीशु मसीह क्यों बढ़ा? यीशु मसीह का भोजन क्या था? यीशु मसीह एक्चुअली पिता को खाता पीता था। आपको याद है हमारे युग में सही प्रकार बढ़ना है तो ये भाई योगन का सुसमाचार छठवां अध्याय उसका 57 वचन, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखिए, यीशु मसीह की जीवन वो पिता के कारण था, वो पिता को जीता था या पिता उसमें जी रहा था। प्रयोग वही बात मसीह जीवन में है, और उस प्रकार का जीवन बिताना है तो हमें मसीह को खाना है, हमें मसीह को खाना है, मसीह को पीना है। ये सारे बात मसीह को बहुत अनमोल बात है ना है। आज मैं किसको खाता हूं? जिसको खाएगा वैसा बन जाएगा है। हम मसीह को खाएगा तभी हम मसीह के जैसा बनेगा है। आपको मालूम है ना, जो भी व्यक्ति मछली खा करके आया हमारे पड़ोस में बैठेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि कुछ मछली खा कर आया है, उसका एक स्मेल आता है। तो यीशु मसीह को खा करके जीने वालों को एक सुगंध आएगा, यीशु मसीह का सुगंध आएगा, मसीह का सुगंध। इसलिए जब दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है ना, हमारे जीवन के द्वारा मसीह की सुगंध फैलाता, हर जगह में मसीह की सुगंध फैलाने वाला बनना। क्योंकि हम क्या खाया? मसीह को खाया। मसीह को खाया तो फिर सुगंध क्या आएगा? मसीह का सुगंध आएगा। कितना अनमोल बात है, मसीह का सुगंध आ रहा है कि नहीं? लोग गवाही दे पा रहे हैं कि नहीं? अरे कुछ स्पेशल सुगंध आया। क्या स्पेशल सुगंध? यीशु मसीह का सुगंध आया। यीशु मसीह एक सुगंध बन गए। देखो, ये दुनिया का कोई भी अच्छा सेंट जो स्प्रे जो है ना, मरता ना लोग सुगंध के लिए, उससे बहुत सेंट है, बहुत गुण है। मसीह का वो सुगंध फैलाने वाला, एक मसीह का सुगंध। आज बहुत लोग मसीह लोगों के जीवन के अंदर बदबू आता है, बदबू है। थोड़ा भी बात करेगा तो बदबू आता है। क्यों बदबू आता है? क्यों अंदर पूरा वो मसीह को नहीं खाता, दुनिया को खाता, दुनिया के रीति में चलता, वो पुराना मनुष्य के समान चलता। इसलिए कई लोग मिलने के लिए आता है ना, बाप रे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ले आने से अच्छा था, क्योंकि और आग लगा कर गया और भी हमारा दिल को परेशान करके गया है। प्रियो, एक व्यक्ति जब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता, यदि प्रभु में वो नहीं बढ़ रहा है ना, ऐसा लोग मिलने के कारण क्या होता? बाप रे बाप, आपको ये अनुभव मिला होगा, मैं आपको ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। प्रियो, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है ना, उसका इफेक्ट हो रहा है। वो एक्चुअली मसीह को नहीं कह रहा है। प्रियो, हम कहीं भी जाएगा तो है, हमारे जीवन से दूसरे लोगों को मसीह का सुगंध मिलना चाहिए, उनका दिल ठंडा होने वाला बात करना चाहिए है। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए पत्रों से आमर कहता है, तुझे क्या करना है? हमने पहला पत्रों दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ करके ये बातों में जाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो जो बातें दूर करना है दूर करना, अगर हम दूर नहीं किया वो बात हमें धोखा देगा है। अभी हमारा जीवन में नया जन्म पाया हुआ समय से लेकर के हमारा कर्तव्य क्या है? जो जो हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी को रुकावट करने वाला बात हमारे जीवन में है तो तुरंत निकालना है। मैं कई बार याद दिलाया हुआ बात है, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कोई नफरत या कड़वाहट उगता है तुरंत उसको निकालो। आप सोचेगा नहीं वो मतलब अभी एक हफ्ता ऐसे रख दो फिर देखते हैं, आप एक हफ्ते के बाद में उगाड़ने के लिए जाएगा तो उसका जेड उसके नीचे रह जाएगा, फिर वो जेड से वापस उगकर आएगा और जो तुरंत निकालेगा तो जेड से निकल आएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो है, जितना देर करेगा उतना खतरा है प्रियो। इसलिए अपने जीवन को, मैं आज संदेश सुनने वाला हरेक पवित्र लोगों को ये बात बताना चाहूंगा, अपना आत्मीय जीवन को थोड़ा परखो। मेरा आत्मीय जीवन वास्तव में जैसा बढ़ना चाहिए बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं है सही में? क्योंकि बढ़ाने वाले प्रभु है, कभी धोखा नहीं आएगा है। तो बढ़ोतरी होना जरूरी है प्रभु के लिए अगर हम उपयोगी होना है। तो पहली बात, हमें इस वजन को प्रभु का सत्य वजन का प्यास रहना, प्रभु का सत्य वजन पीने के लिए भूख रहना, बहुत जरूरी बात है प्रियो। ये भूख प्यास मिट गया तो गया,
आ जाओ आपको अभी आप दूसरा वचन में क्या बोला, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। देखा, निर्मल आत्मिक दूध मतलब मिलावट नहीं होना। इसका मतलब क्या कि सत्य वचन सिखाने वाले लोगों से सीखना। आज कितने लोग ऐसे सभाए है ना, चिन्ह चमत्कार के पीछे, दुनिया के पीछे है ना, दुनिया के बोंग के पीछे लोगों को फंसा रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उधर जाकर के पी रहा है। आखिर में क्या होता, उनका आत्मीय जीवन कभी भी बढ़ता नहीं। वो दुनिया की आशा में, दुनिया के मोहों में, दुनिया के सपनों में वो जाकर के नष्ट हो जाता है। मसीह के रूप कभी नहीं बन सकता। प्रियो, हमें निर्मल आत्मिक दूत, निर्मल आत्मिक दूत। देखिए आज लोग मिलावट करके पिला रहे, सत्य वजन नहीं बताता। सत्य वजन, सत्य वजन का भूख प्यास हमें चाहिए। आपको याद होगा प्रेरित पौलुस के समय में, अभी आप देखो उन दिनों में तक इतना झूठा उपदेश था, तो आज अंत समय में आया हुआ हमारे समय में कैसे होगा ना। दूसरा कुरिंदी दूसरा अध्याय का 17 वचन में प्रेरित पौलुस देने वाले गवाही है, हम उन बहुत और जैसा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, उस समय में बहुत ही लोग, देखा सत्य वचन सुनाने वालों का नंबर कम है, सच्चा वचन सुनाने वालों का संख्या कम है। ये तो सच्ची बात है ना, क्योंकि जीवन का मार्ग पाने वाले लोग कम है, नाश में जाने वाला मार्ग विशाल और चौड़ा है, उधर से जाने वाला बहुत है, पर तो जीवन का मार्ग सकरा मार्ग होने के कारण उसको प्राप्त करने वाले लोग थोड़े हैं, थोड़े। अभी यहां पर भी प्रभु का दास कहता है दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। प्रियो, मिलावट करके, अभी आपको मालूम है दूध में मिलावट होने के कारण क्या होता है, कई बच्चों को डिसेंट्री नहीं समझी है। देखो क्या हो गया, दूध में मिलावट, मिलावट किया दूध, इसलिए बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, तभी वो बराबर बढ़ेगा, क्योंकि माँ कभी मिलावट के कार्य नहीं करेगा। बहुत जरूरी बात है अपने जीवन में मानव इन सच्चाइयों को सही प्रकार जानना। प्रियो, प्रभु का दास यहां पर बहुत दुख के साथ बोलता है, बहुत से लोग इस वजन में मिलावट करते हैं, पर हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं। प्रियो, आपको ये सच्चा वजन आपको बता रहा है, सत्य वजन, सत्य वजन को प्राप्त करना। प्रियो, सत्य वजन बहुत लोगों को आजम नहीं होता, सत्य वजन बहुत लोग समझ नहीं पाता। आपको मालूम है चेहरा बोलने से भी मानव उनकी बढ़ोतरी बराबर नहीं है तो सच्चाई को समझ नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह को छोड़कर गया ना चले लोग, क्यों गया, एक्चुअली उन्होंने प्रभु ने बताया वो सच्चाई को नहीं जाना। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई झूठ बात बोला क्या, नहीं, परंतु प्रभु के पास जो अनंत जीवन का वजन है वो वजन को वो लोग समझ नहीं पाया। ये कठिन वर्तमान बोल करके कौन सह सकता है बोल करके चला गया। आप देखो प्रियो, इतना अच्छा एक गुरु है, हमें ये बात को जानना है कि कितना श्रेष्ठ बात है सत्य वजन में मिलावट करने वाला अनुभव है। सत्य वजन के अनुसार प्रियो आगे बढ़ना है। आज हमारा आत्मिक जीवन का हम रहे, देखिए जो भी जीवन में मतलब प्रभु ना चाहने वाला बात रहेगा तो है, उनको सत्य वचन सुनने की इच्छा तक नहीं रहेगा, उनको मिलावट किया हुआ चलेगा, क्योंकि उनको दुनिया मतलब है, उनको इस जीवन में मिलने वाला सुख मतलब है। प्रियो, प्रभु में मिलावट पाने के बाद अगर हम उस अनंत काल का दर्शन में, उस स्वर्ग का दर्शन में अगर नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा धोखा है। इस दौड़ में मैं कैसा जीवन बिता रहा है, मेरा दौड़ कैसा है, मैं उस इनाम पाने के लिए मैं दौड़ रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। आपको याद है कुरिन्थ मंडली में अच्छा अच्छा संदेश देता था है, बहुत कुछ भलाई की बात वहां पर था, लेकिन उन लोगों का बढ़ोतरी नहीं था, उनके आत्मीय जीवन कैसे था। वे लोग प्रभु के आगमन के बाहर जो रहा था, लेकिन आत्मीय जीवन में एकदम कमजोर अनुभव था। कारण क्या है, जब पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय है उसका 1-3, पहला कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय का 1-3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। बाप, फिर क्या फायदा है, आत्मिक लोगों से बात नहीं कर मतलब करना चाहिए, वो पैसा नहीं कर पा रहे प्रवृत्ति बलोस, कैसा दुख क्यों नहीं लेके गया। आत्मिक कह रहे की बात बोलेगा तो
एकदम उस बात को सहमत ना होते हुए लोग बुराई बोलने लगेंगे, दोष लगाने लगेंगे। अब ये लोग आत्मीय में बढ़ोतरी ना पाने का कारण क्या है उसके अंदर लिखा है आगे पढ़ने। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। नहीं खा सकता कारण, वरन अब तक भी न खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है। देखा, डाह और झगड़ा है। देखिए, मतलब वे लोगों में अभी भी वो पुराना पाप का स्वभाव है। भैया, ये पाप का स्वभाव उनके आत्मीय जीवन की उन्नति को मतलब तोड़ देता है। हमारे जीवन में बरकना है। मैं पीछे दिनों से बैठ करके मेरे आत्मिक जीवन में मैं उन्नति पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना प्रियो। आज कई रीति में कई बातों के कारण लोगों का आत्मिक जीवन में कमजोरी आ सकता है, लेकिन हमें परखना है कि मैं बराबर आत्मिक जीवन में मेरा उन्नति पा रहा है कि नहीं। कई लोग बहुत मतलब गुप्त रीति में कई ऐसे गलतियों में चलता है, वो उनका उन्नति नहीं होता प्रियो। वो मेरे को भी उन्नति हो रहा है क्योंकि दिखावा करना चाहता है, पर जो कुछ भी छोटा परीक्षा में हार जाता है। हमें इस बात को परखना है, मेरे जीवन में मैं रोज मसीह की जैसा बनते जा रहा है कि नहीं, मैं रोज प्रभु को प्राप्त करने में मैं कहां तक विजयी है। प्रियो, अगर हम आत्मा में कमजोर रहेगा तो हम कभी भी प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले नहीं बन सकता। तो आज ये सत्य वचन की भूख का समय है क्या? जब एफेसियों का पत्र में ही उसका 4:23 लॉर्ड जीसस, एफेसियों 4:23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखा, आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। प्रियो, रोज हमें नया बनना है। हम नया सृष्टि है, हम प्रभु में एक नया सृष्टि है। अभी हमारा जीवन में हर रोज एक नया बनने वाला अनुभव चाहिए। हर रोज हमें नया बनते जाना, क्योंकि हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन रूपी प्रकाश में जो भी हमारे जिंदगी में गंदगी देखेगा, वो गंदगी दूर करेगा तो हमारे में एक नयापन का अनुभव आएगा। रोज हमें नया बनते जाना, पुराना बातों को छोड़ करके नया बनते जाना, हमारा अंदर का मनुष्य रोज बल पाते जाना, आत्मा में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं ये परखते जाना। वही एफेसियों 3:16 एफेसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर के बलवंत होते जाओ है बोलने का मतलब, हमारा आत्मिक भोजन खा करके आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त बनते जाना। इसका मतलब हमें मतलब भोजन का जरूरत है। हम जैसे जैसा आत्मा का भोजन खिलाएगा उसके अनुसार आत्मा का तंदुरुस्ती रहेगा। आज हमारा आत्मिक भोजन कैसा है? प्रभु का भजन पढ़ने में, प्रभु के साथ संगति करने में, पवित्र लोगों के साथ संगति करने में आज हम कैसे है? हमारे अंदर वो भूखा से है क्या? जो प्रभु की संगति में रहता है वो और लोगों के संगति करने के लिए भी चाहेगा, क्योंकि तो प्रभु से पाया वो बात शेयर करने के लिए उनको बहुत इच्छा रहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मेरा जीवन के अनुभव में बताऊं तो मैं रोज जो प्रभु से प्रार्थ करता है, कोई ना कोई फोन करता है तो मैं उनके साथ ये बातों को बांटते रहता हूं, वो कितना बड़ा आनंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग मसीह में आनंदित नहीं, उनकी अभी आपको याद है योगन्ना एक बात को बोलता है, पहला योगन्ना उसका पहला अध्याय का 3 पहला योगन्ना उसका पहला अध्याय का 3 जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और आगे, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, देखा, हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो,
जब हम इन बातों को भागते हैं तो हमारा आनंद पूरा हो जाता है। हमारा आनंद पूरा होने का अर्थ क्या है? एक प्रकार प्रभु हमारे में संतुष्ट हो जाता है, प्रभु हमारे में आनंदित हो जाता है, प्रभु हमारे आत्मा में रह करके आनंद दे करके हमें आत्मा में समझ में आता है। आप देखो, निश्चय आप अपना जीवन की गवाही जब आप दूसरे को देता है, प्रभु यीशु मसीह की ये सुसमाचार दूसरे को जब देता है, तो आपको मालूम है आप आत्मा में एक बड़ा आनंद अनुभव करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गवाही देते हुए प्रभु का जो सुसमाचार का गवाही देते हुए जीवन बिताता है, वो प्रभु में हमेशा आनंद रहेगा, एक अनोखा आनंद उसका दिल में राज करेगा। इसलिए प्रियो, अभी आप देखिए, अभी मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, मैं रोज प्रभु से जो प्राप्त करता है तो कोई ना कोई फोन करता है, तो मैं उनके साथ उन वचनों को शेयर करते हुए, वो शेयर करने के टाइम कितना बहुत बड़ा आनंद मिलता है। आपको अनुभव है क्या? अनुभव कब मिलेगा? जब प्रभु से पा करके शेयर करेगा तब। तो बहुत लोग क्या है, पाएगा तो भी शेयर भी नहीं करेगा, और किसी से बात करने का मौका भी मिल गया तो ये बात कभी शेयर नहीं करेगा। प्रियो, ये सब एक धोखा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में ऐसे एक गवाही के जीवन बिताना प्रभु की इच्छा है। रोज हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है प्रियो, हमें प्रभु का गौरव करना हमारा कर्तव्य है। हम रोज हमारे प्रति प्रभु की इच्छा को मालूम करके जीवन नहीं बिताएगा तो क्या फायदा है? जब कोई एफेसियों 5 अध्याय है उसका 16-17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 16-17, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक अभी बुरा दिन है करके अभी आपको एक एक नया क्लास देने की जरूरत है क्या? अब तो खुद ही बोलेगा, अरे यार सही में बुरा दिन नहीं, भयंकर बुरा दिन है। तो फिर ये समय में हमें अवसर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आगे, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। देखिए, समय के अनुसार हमारा बढ़ोतरी होता है तो हमारा हम बुद्धि में भी बढ़ेगा। आज बहुत लोग एकदम ऐसा काम करता है, एकदम मूर्खता का काम। अब ऐसे लोगों को मूर्ख बोलेगा तो उनको बहुत दुख लगेगा, लेकिन मूर्खता का काम करता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें बुद्धिमानी के साथ काम करना, प्रभु में बुलाया, प्रभु को प्राप्त किया हुआ लोग प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है, वो प्रभु का खोज में रहेगा। प्रभु ने बोला ना, प्रभु देखते रहता है मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है कि नहीं। अगर आप प्रभु की खोज में है तो प्रभु का दृष्टि में आप बुद्धिमान है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए समय अलग किया है तो प्रभु बोलेगा इसके अच्छा अंश को चुना, क्योंकि ये बुद्धिमान है, उसने जिंदगी में मतलब उसने अच्छा भाव को चुना। जैसे मरियम को प्रभु ने बोला है ना, लूका 10:42 में, ये इसने अच्छा अंश को चुना, वो कोई नहीं चुना जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु के साथ बातें करना, ये सब बहुत अनमोल बातें भी। तो इसलिए बुरा दिन है, इसलिए क्या करना, समय को सही रीति में इस्तेमाल करो। और आगे, और ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो इस पर भी ध्यान देना प्रभु, कई बात क्या है कि प्रभु की इच्छा से बढ़कर के अपनी इच्छा पूरा करने के लिए अवसर मिला बोल करके हम अपनी इच्छा पूरा करता है, वो ऐसे नहीं होना, कई बार ऐसे हो जाता है और वो अपनी इच्छा पूरा करके तसली पाता है, परंतु आत्मा में वो आनंद नहीं रहता। देखिए, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रियो, मेरे प्रति आपके प्रति रोज प्रभु की इच्छा है। आप देखिए, आप एक एक दिन जो मैंने पिछले दिनों का बिता हुआ दिनों का जीवन, पिछले कल का जीवन को देखो, आपने कल का एक दिन का जीवन को देखो, मेरे प्रभु की इच्छा जाना है क्या? प्रभु की इच्छा के अनुसार वो इच्छा जान करके उस इच्छा में जीने के लिए मैंने प्रयास किया है क्या? प्रियो, एक नया सृष्टि, एक उदार पाया हुआ एक व्यक्ति का कर्तव्य हमें ध्यान से समझना है, प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा के अलावा अपनी मनमानी करेगा तो, शाऊल को प्रभु ने उसकी प्रभु की इच्छा के लिए भेजा, पर उन्होंने क्या किया, उसको जो अच्छा लगा वो काम किया, और वो शाऊल को बोलता है मैंने प्रभु का काम पूरा किया, क्या किया, प्रभु जैसे कहा वैसे नहीं किया,
उसको जो अच्छा लगा वो काम किया है। उन्होंने हमारे के राजा को भी जिंदा पकड़ कर लाया है, भेड़ बकरियों को लेकर आया है। प्रभु ने बोला था उसको सब नष्ट करना, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं किया। प्रियो हमको ये जानना है कि मैं जो काम कर रहा है मेरी इच्छा पूरा कर रहा है या प्रभु की इच्छा पूरा कर रहा है। आज बहुत लोग खुशी और तसल्ली क्यों है, तो उसकी इच्छा पूरा हो रहा है। प्रियो मतलब स्वर्ग राज्य में अपनी इच्छा पूरा करने वाला नहीं जाएगा, पिता का इच्छा है। लोग अपनी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु प्रभु पुकारता है और अपनी इच्छा पूरा करके जीवन बिताता है। प्रभु ने क्या बोला, मारो इसको मारो छोड़ दिया तो भी चलेगा। मत्ती 7:21 में प्रभु बोलता है मुझे ये प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर कौन जाएगा है, कौन जाएगा। हाँ वहां पर भी लिखा है, यीशु मसीह बताता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। अभी अगर हम प्रभु की इच्छा जानने में उसको मानने में उत्साह नहीं है तो है वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। प्रियो हमें बात को परखना है, आज मेरे जीवन में मतलब प्रभु की इच्छा को स्थान है क्या। रोज एक एक दिन प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए मेरे को उलसा है क्या। हमारे के प्रति जो भी उद्धार पाया वो लोग है, जिसको भी प्रभु का चुनौती मिला है, प्रभु का जो अनुग्रह मिला है, प्रियो हम अपनी इच्छा में जीने के लिए नहीं प्रभु की इच्छा में जीने के लिए। स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है वैसा मृत्यु में भी हो, मृत्यु में किसके जीवन में है, जो चुने हुए लोगों के जीवन में। प्रियो प्रभु की इच्छा पूरा होना, प्रभु की इच्छा पूरा करके इस जीवन में हम बिताएगा तभी अपन विजयी होकर के आनंद काल प्रभु के संग रह पाएगा। आज प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने में हम लोग कहां तक उत्साही है, यह बात को परखना। प्रियो प्रभु की इच्छा जानने के लिए तक बहुत लोगों को उत्साह नहीं। रोज मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है ये मालूम करना और उस इच्छा के अंदर बना रहना है ना। जब रोमियो का पत्री 12 उसका दूसरा वचन, रोमियो उसका 12 का दूसरा वचन में प्रभु का वचन इतना हमें गहराई में वो विषय को समझाता है। इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसके बाद क्या है कि रोज मन फिरावट की जरूरत है, मन का नया हो जाने से। इसके मानो क्या है, मन फिरने से रोज मन फिरावट की जरूरत है हमारे प्रियो है। क्योंकि कई बातें अभी देखो हमें ये दुनिया में, इसलिए आपको बार बार कहता हूं प्रियो अभी तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचा, अभी तक हमारा उद्धार जरूर हुआ, हम आत्मा में एक प्रकार स्वर्ग के स्थान में बैठा हुआ अनुभव है क्योंकि हमारा आत्मा में प्रभु आ गया। स्वर्ग का अर्थ क्या है, जहां प्रभु यीशु मसीह है वह स्वर्ग है। तो यीशु मसीह की प्रभुता भी होना, यीशु मसीह आने के बाद में भी वो स्वर्ग का सच्चा आनंद क्यों नहीं ले पाता, यीशु मसीह की प्रभुता हमारा आत्मा में ना होने के कारण, हमारे जीवन में ना होने के कारण वो सच्चा स्वर्गीय आनंद नहीं ले पाता, वो स्वर्ग राज्य के अनुभव को वो नहीं कर पाता। देखिए परखना प्रियो है, आज यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है क्या। हाँ आगे बढ़ना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, मन नया हो जाने से या मन फिरने से चाल चलन बदलेगा ही है। मन फिरने का अर्थ क्या है, टर्न टू गॉड, प्रभु की ओर मुड़ना, बोले का अर्थ प्रभु की इच्छा में चलने के लिए एक संपूर्ण समर्पण। मन फिरना जैसे चलने से अबाउट है, पीछे मोड, आर्मी में बोलते हैं पीछे मोड है, बहुत बड़ी बात है। हमारा मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग को अपनाना। रोज हम दुनिया में रहता है, दुनिया के सदृश ना बनते हुए रोज मन फिरना और आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, प्रभु की हमारे प्रति एक सिद्ध इच्छा है प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति उस सिद्ध इच्छा को मालूम करके उस इच्छा में चलते जाना है। आज हमारे जीवन को परखेगा तो
प्रभु की इच्छा में जब हम काम करता है ना, उसके लिए कितना भी तकलीफ भी सहना पड़ता है, लेकिन आत्मा में बहुत आनंद मिलता है। आप सोचो अभी परोस और सिलास बंदी गृह में, अरे आज पूरा दिन भर कुछ खाने का मौका नहीं मिला, खाना नहीं मिला, उसका कोई कंप्लेन था नहीं है? वो लोग बंदी गृह में होने के बावजूद भी वो लोग वहां पर प्रार्थना में लगा, प्रार्थना करते करते गीत गाने का इच्छा आया, वो लोग आधी रात को गीत गाने लगा। आप देखो है, प्रार्थना करते करते आत्मा में मर गया, आत्मा में मरने के कारण क्या हो गया, वो आत्मा में गीत गाने लगा। आप देखो उस तकलीफ में, उस प्रतिकूल में भी गीत गाना कोई छोटा सा बात है? आपको तकलीफ है तो है? अरे अभी तो हम बंदी गृह में आ गया, अभी हम जेल में आ गया है, हमने कुछ बुराई नहीं किया, हमने कुछ गुनाह नहीं किया, ये लोगों ने हमको इतना पिटाई किया, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, बाप रे अभी क्या गीत गाएगा, अपन प्रभु से भी नाराज हो जाता है। उन्होंने कौन सा बुराई किया? उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया, देखिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही के कारण, प्रभु में चलने के द्वारा हमारे जीवन में कई ऐसे अनुभव आ सकता है, हमारा पूरा आनंद को लूटने के लिए शैतान हमारे शरीर को कई प्रकार का तकलीफ देगा। अभी ये लोग बंधन में, लेकिन उस बंधन में पड़ा होकर के वो लोग आपस में एक दूसरे का बुराई नहीं किया। अरे पौलुस, मैं सोचा था तू एक सच्चा आदमी है, क्योंकि सही में तुझे मकदोनिया बुला मिला होगा, तूने अच्छा दर्शन मिला, प्रभु ने हमें मकदोनिया में बुलाया है, उधर जाना है, प्रचार करना है, तो मैं भी तेरे साथ आया, लेकिन धोखा हो गया, तेरे साथ आने के कारण मुझको भी बाहर खाना पड़ा, अभी देखो अभी जेल में है, तो बहुत झूठा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। एक दूसरे को दोष लगाने के लिए अपमान बना, कई बार को छोटा छोटा तकलीफ की बात किसी को बोला था ना, बाप रे उसके आंसू देखना। मैं तो बोलता हूं आज भी बहुत लोग सब अच्छा है, साथ में चलते हुए अच्छा बिरयानी खिला करके है, अच्छा खुशी खुशी में है, उनको मतलब ले चलेगा तो अच्छा बोलेगा, थोड़ा भी तकलीफ आ गया तो बाप रे, तब वो मान बढ़ता है कि कहां तक स्पिरिचुअल है, आत्मीय जीवन में। प्रियो अभी ये दोनों आपस में देखा और उस तू मसीह के कारण ये मार खाया है, तब सिलास को सिलास की ओर देख करके पौलुस भी बोलता है तू ये मसीह के कारण मार खाया। दोनों के दिल में मसीह के लिए जो भी हुआ है मसीह के लिए हुआ, ये वही बात है हमारे जीवन में, हम जो भी है ये मेरे प्रति इसके अंदर भी मसीह की इच्छा है, मैं थोड़ा जाना है प्रियो, मैं एकदम जैसा योहन्ना 3:30 में योहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा ना कि बहु बड़े मैं घटो, हाँ प्रियो बहु बड़े मुझ में मसीह का रूप आ जाए, मैं मसीह के स्वभाव का बन जाए। प्रियो जब भी कुछ मैंने देखा है कई लोग छोटा सा उनका इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, बाप रे इतना नफरत करने लगता है, क्या प्रियो है, इतना दुखी होता है, निराश होता है, पर बात करेगा नहीं, एकदम गुस्सा में मतलब हो जाता, फिर बुराई शुरू हो जाता, कितना दुख वाला बात है प्रियो। आप अपने जीवन को परखो प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में जो प्रभु की इच्छा से मतलब नहीं है, जो प्रभु की इच्छा करने से कोई भी बात है तो उससे मन फिरना प्रियो, रोज अपने को नया मन या मन फिरने वाला अनुभव, किस लिए, प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए। जो व्यक्ति मन फिरने के लिए तैयार नहीं उसको कभी प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करके नहीं देगा, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसका अपना मनमानी करेगा, उसको यह दुनिया का कोई बात रहेगा, पर जो प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने का अर्थ, एक आत्मीय जीवन में उन्नति पाने वाला एक व्यक्ति का कर्तव्य प्रभु का हमारे प्रति सिद्ध इच्छा मालूम करना, भली और भावदी और सिद्ध इच्छा। देखिए प्रभु का भली इच्छा, भावदी इच्छा और सिद्ध इच्छा बहुत बड़ी बात है, उसको मालूम करके हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु का सिद्ध इच्छा में है क्या,
प्रभु की इच्छा मालूम करने के बाद में उसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़े वो कार्य को करने के लिए तैयार है क्या? अगबोस नाम का एक व्यक्ति आकर के पौलुस का उस टॉवल लेकर के कमर बांध करके बोला, ये टॉवल किसका है? उस व्यक्ति को यरूशलेम में इस रीति में बांधा जाएगा, तो उस व्यक्ति को इस रीति में रगड़ा जाएगा, मार खूब खाएगा है। अब ये सब सुना तो उधर लोग बोला कि पौलुस आप मत जाओ, आप जाएगा तो अरे देखो प्रभु ने मुझको बचा लिया, होने वाला विपत्ति के बारे में अगबोस के द्वारा प्रकाश मिला, अभी नहीं जाएंगे, प्रोग्राम क्या चले। आजकल का लोग बोलेगा देखो प्रभु कितना महान है, प्रभु होने वाला विपत्ति मुझे पहले से बताया। प्रियो प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहा, मैं प्रभु के खातिर बंदी होने के लिए नहीं, मैं मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे प्रति प्रभु का एक सिद्ध इच्छा है, मुझे उस इच्छा में बना रहना है। मेरे जीवन में आने वाला, मुझको होने वाला तकलीफ के बारे में देख करके सुन करके डर करके भागने वाला नहीं मैं, क्योंकि मैं प्रभु का खरीदा हुआ पात्र है, प्रभु के लिए अलग किया हुआ पात्र है, मुझे इस काम को करने के लिए प्रभु ने नियुक्ति दिया है, मुझे कष्ट सहने के लिए प्रभु ने वरदान दिया है। ओह प्रियो आप सच्चा दिल से देखो, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए आप तैयार है क्या? प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए आप तैयार है क्या? हैं? ऐसे अगर नहीं है तो हम एक सच्चा अभी भी हमारा आत्मीय जीवन एक टूटा हुआ अनुभव है, प्रभु के बुलावट का सही अर्थ को हमने नहीं जाना, हमें पहचानना है। प्रियो हमें रोज रोज हमारे आत्मिक जीवन में हमें एक सच्चा मसीह होकर के जीवन बिताने का बहुत जरूरी बात है, और हम ऐसे जीवन नहीं बिताएगा कितना बड़ा धोखा है। रोज हमें मन फिर वापस एक बार वो रोमियो 12 का दो पढ़ना, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा भजन में देखो प्रियो, हम उस सिद्ध इच्छा में प्रभु की हमारे प्रति उस सिद्ध इच्छा में जन्ना, वापस पढ़ना, इस संसार के सदृश न बनो। देखो ये संसार के प्रियो मैं आपको बताना, आज भी बहुत पवित्र लोग संसार के सदृश बनते जा रहे हैं, कई लोगों का उनका कुछ अभी वो लोगों के जीवन को दिखाने वाले बात क्या है, उनका कुछ काम है ना, अभी स्टेटस में कई लोग बर्थडे मना रहे हैं, एक एक त्योहार मना लेगा, कहां से सीखा है? जातियों से, दुनिया का सदृश बनते जा रहा है, बहुत डेंजर बात है, बहुत डेंजर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं उनको प्रभु में आनंद नहीं, उनको केक में आनंद है, केक काटना है, बहुत भयंकर एक दुख की बात है, प्रभु का दिल को दुखाने वाला बात है। आप और किसी में प्रभु को छोड़कर और किसी में खुशी मनाता है तो इवन आपका नौकरी में हो, आपका प्रमोशन में हो, आपका तंगा बढ़ गया हो, कोई भी हो प्रियो, ऐसा कोई भी बातों में आपका आनंद नहीं बदलना प्रियो, हमारा आनंद का आधार यीशु मसीह है। प्रभु को छोड़ करके और कोई भी बातों में हम अगर खुशी आनंद मनाने लगेगा तो प्रभु को बहुत दुख है, क्योंकि विरोधी ऐसा काम कोशिश करेगा। हमारा दिल प्रभु के और जैसे होना चाहिए उस अवस्था से दुनिया के लोगों का अवस्था देख करके बदलने का खतरा है। प्रभु हम दुनिया का नहीं, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है, जैसे यीशु मसीह दुनिया का नहीं, हम भी दुनिया का नहीं, हमें प्रभु ने अलग किया, हमें एक दुनिया से अलग किया हुआ प्रभु का या स्वर्ग का नागरिक है, ये बात कभी नहीं भूलना। मैं प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, ये बात को कभी नहीं भूलना। मैं दुनिया के जैसा चलने के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति नहीं है, ये बात को याद रखना। इसलिए बोलता है तो दुनिया का सदृश नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा तुम्हारा हरेक चाल चलन, प्रियो आप शायद ध्यान नहीं देता होगा पर दुनिया आपका जीवन को पढ़ता है, दुनिया आपका चाल चलन को देखते रहता है। इसलिए मतलब हमें मसीह का पत्र बनकर के उनको हमारे में मसीह पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, और ऐसी अवस्था नहीं है तो भी एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। ये सब क्या है? हमारे आत्मीय जीवन का सच्चा उन्नति या बढ़ोतरी ना होने के कारण आने वाला धोखा है, ऐसा धोखा में मत पड़ना प्रियो। रोज इतना बड़ा अनुग्रह हमें इस पीढ़ी में मिला है,
इतना भाव भर गया वो दुनिया में, बुराई बढ़ा हुआ ये दुनिया में, इस पीढ़ी में भी प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए, हमें क्या करना। हाँ आगे, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, रोज हमें उस अनुभव में आगे बढ़ना। कौन सा? मैं प्रभु का उस सिद्ध इच्छा के अंदर मोरे बोलेगा तो मैं एक सच्चा प्रभु का बेटा बनकर, मैं एक सच्चा प्रभु का बेटी बनकर, प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह करके मैं जीवन बिताता हूं। ये बात का आत्मा में एक गवाही चाहिए। आज सुबह उठने के बाद एक गवाही सुना, रोमी 8:16 में लिखा है कि मानो परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। ये गवाही आपको सुनने में आ रहा है, फिर आपका चाल चलन बदलेगा ही, फिर आपको स्वर्गीय पिता का इच्छा जानने में मानने में उत्साह बढ़ेगा। पर आज बहुत लोग आत्मा में वो आवाज नहीं सुन रहे, बहुत लोग बहरा बन चुका है, ये बात बहुत धोखा देगा। आज बहुत लोग ध्यान से प्रभु का वचन को नहीं सुन पाता, कितने ऐसे कपड़ी लोग है कि मानव यूट्यूब पे भी थोड़ा सा सुनेगा और छोड़ देगा, पूरा संदेश तक नहीं सुनता। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं प्रियो, आप इस संदेश को जरूर सुनना और दूसरे को भी ये सुनने के लिए प्रोत्साहन देना। आपका आत्मीय जीवन को खास करके आज प्रभु में उद्धार पाए हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अपना आत्मीय जीवन का अनुभव आप देखो प्रियो, जैसे बढ़ना चाहिए वो बढ़ोतरी है क्या? अभी भी सिर्फ दूध पीने वाला अनुभव है क्या? या हम दूसरे लोगों को प्रभु की बातें बोल करके उन आत्माओं को जीत पा रहे हैं क्या? उनको मसीह में सिद्ध कर पा रहे हैं क्या? या हमको कोई सवाल पूछेगा तो हमें जवाब देना नहीं आता, ऐसे अवस्था में हमारा मन हानत है क्या? परे करना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु का अनुग्रह है, मानव बाकी भाग में आपको कल बताऊंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी को, हमारा आत्मीय जीवन में मैं सही प्रकार प्रभु में बढ़ते जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे सबके प्रति प्रभु की इच्छा क्या है? हमें मसीह की जय ऐसा बनना है, वो है हमारा आत्मीय बढ़ोतरी, वो बात को हमें जानना है। आज मैं कहां तक यीशु मसीह के जीवन में स्वभाव में बढ़ पा रहा है, और वो बढ़ोतरी अगर सही रीति में नहीं हो रहा है तो जरूर प्रभु ने मना किया हुआ कुछ बात हमारे जीवन में है, उसे हमें दूर करना। जिस बात को मतलब निकालना है निकालना, दूर करना है तो दूर करना। आपको मालूम है ना, कई जगह पर एक जगह पर जब मैं गया बहुत वास आ रहा है, मैं पूछा कि क्या बात है, वो कुछ भी नहीं दिखता। आखिर में उसकी एक अलमारा था, वो अलमारा थोड़ा हिलाकर देखा तो उसके नीचे एक चिपकली मरा पड़ा था, वो सड़ गया, उसका वास था। देखो आप देखो, अब उनको दिखाई नहीं दिया, अरे ढूंढो ना, आप ढूंढने के लिए लोग तैयार नहीं। अपने आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है? जैसे सुगंध आना चाहिए पर तो बदबू क्यों हो रहा है? अरे को प्रियो, कोई भी कमी पाया है तुरंत दूर करो। अभी वो सड़ा हुआ चिपकली विधि पड़ा है, वास आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बोलेगा नहीं, तुरंत निकालेगा, तुरंत दूर करेगा। हमारे जीवन की गंदगियों को दूर करो, जो प्रभु की इच्छा में नहीं है, पसंद का नहीं है, नहीं तो धोखा खाएगा। ओके, तो इसलिए आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में रुकावट आने वाला कोई बात है कि नहीं? मैं आशा करता हूं जब हम वापस मिलेंगे उससे पहले आपने कई गंदगी दूर किया होगा अवस्था में मिले, ताकि आने वाला वजन, आप उस वजन को पीकर खाकर आप और भी मसीह की जैसा बन पाए, मसीह के रूप बन पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।